चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? सीए में हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। सीए का काम लोगों को वित्तीय सलाह देना, वित्तीय क्षेत्र से जुड़े किसी तरह के काम जैसे किसी कंपनी का टैक्स रिटर्न करना, बैलेंस शीट बनाना आदि कार्य सीए के द्वारा ही किए जाते हैं। सीए में वित्तीय सलाह, व्यापार खाता और टैक्स इत्यादि के बारे में सिखाया जाता है। यह बहुत ही अच्छी पोस्ट है। किसी भी अकाउंटेंट का स्टेटस डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं होता। सीए में आप बैंकिंग, टैक्स और अकाउंटेंट की जॉब करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सीए बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर आप सीए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। सीए की तैयारी कैसे करें? सीए बनने के लिए आपको 10वीं कक्षा से ही इसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। सीए के लिए आपको सीपीटी एग्जाम देनी होगी। इसके लिए आप 10वीं कक्षा के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 12वीं कक्षा के बाद सीपीटी की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए आपकी 12वीं कक्षा कॉमर्स विषय से होनी चाहिए, जिसमें आपको 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद ही आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि क्या कॉमर्स विषय होने पर ही आप सीपीटी की परीक्षा दे सकते हैं, तो यह सही नहीं है। अगर आपने 12वीं कक्षा आर्ट्स विषय से की है तब भी आप सीपीटी की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने 12वीं कक्षा कॉमर्स से की है तो आपको इसकी तैयारी करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 12वीं कक्षा में ही अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आपके सीए बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सीए सीपीटी परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। पहली जून महीने में होती है और दूसरी दिसंबर महीने होती है। सीए कैसे बने? जब आप सीए और सीपीटी की परीक्षा को पास कर लेते हैं, तब आपको सीए करने की अगली प्रोसेस करनी होती है और यह प्रोसेस आईपीसीसी आपको आईपीसीसी की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और आप इसका रजिस्ट्रेशन केवल तभी कर सकते हैं जब आप आईपीसीसी की एग्जाम को पास कर लेते हैं। आईपीसीसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। और अगर आप इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आईपीसीसी की परीक्षा भी सीपीटी की तरह 1 साल में 2 बार होती है। पहली परीक्षा मई महीने में और दूसरी परीक्षा नवंबर महीने में होती है। बीकॉम के बाद सीए कैसे बने? यदि आप सीपीटी परीक्षा देने से चूक जाते हैं या फिर आप लेट हो जाते हैं, तो आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी शामिल हो सकते हैं। ज्यादातर उम्मीदवार ग्रेजुएशन होने के बाद ही इसमें शामिल होते हैं। अगर आपके पास बीकॉम डिग्री है तो आप सीए कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएट छात्रों के लिए यह सीधा प्रवेश है। यदि आप कॉमर्स के ग्रेजुएट छात्र हैं तो आईपीसीसी में सीधे प्रवेश पाने के लिए आपके ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए, जबकि अन्य ग्रेजुएशन के लिए यह 60% है। अब बात करते हैं सीए की सिलेबस की। वैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के सिलेबस को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है। स्टेप 1 सीपीटी कॉमन प्रोफेशन टेस्ट, इसमें 2 सेशन में 1 पेपर होता है। सेशन 1 में 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास। सेक्शन ए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 60 मार्क्स का एंड बी मर्केंटाइल लॉ ये 40 मार्क्स का। नेक्स्ट सेशन आपके पास सेक्शन सी एंड डी जनरल इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स। देन सेकंड स्टेज है आईपीसीसी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। इसमें आपके पास 2 ग्रुप होते हैं और इन 2 ग्रुप में आपके पास जो सिलेबस होता है वो है अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेप है आर्टिकलशिप। आईपीसीसी की परीक्षा पास करने के बाद आपको 3 साल की आर्टिकलशिप की प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना होता है। जैसे ही आपके 3 साल की प्रैक्टिस ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, इसके 6 महीने के बाद आपको एक परीक्षा देनी होती है, जो सीए बनने के लिए अंतिम परीक्षा फाइनल एग्जाम होती है। स्टेप 4 सीए फाइनल एग्जाम। यह परीक्षा बहुत ही हाई लेवल की परीक्षा होती है। यह परीक्षा को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। यह बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। ये परीक्षा इसलिए कठिन होती है,
क्योंकि इस परीक्षा में पास होते ही आप सीए की डिग्री प्राप्त कर लेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। इस परीक्षा के पहले ग्रुप में आपको 4 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में आपका जो सिलेबस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। ग्रुप 2 एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। यदि आप इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए कहलाएंगे। सीए कोर्स की अंतिम परीक्षा को पास करने के बाद आपको अपने आप को ICAI में रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद ही आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सीए कहलाएंगे। सीए कितने साल का कोर्स है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोर्स की अवधि अब सिर्फ 3.5 साल है। पहले इसकी अवधि 5 साल और 3 महीने थी, लेकिन अब ICAI ने कोर्स की अवधि को कम करने का फैसला किया है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो 10वीं और 12वीं के बाद पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। सीए की फीस कितनी होती है? सीए बनने के लिए आपको 5 सालों में कम से कम 40,000 से 57,000 रुपए तक खर्च करना होता है, और इसके बाकी आपके प्रयासों पर निर्भर करता है कि आप इन परीक्षाओं को पास करने में कितने अटेम्प्ट लेते हैं। इसके अलावा अगर आप निजी कोचिंग से सीए की पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं तो सीए की फीस पूरी तरह से अलग है। इसमें आपको 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। सीए की फीस आपके उस शहर निर्भर करता है जिस शहर में आप रह रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सीए में कहां पर कितनी फीस पे करनी होगी। सीए फाउंडेशन कोर्स में आपको 2000 तक की फीस पे करनी होगी। सीए इंटरमीडिएट कोर्स में आपको 22,000 तक की फीस पे करनी होगी। दोस्तों, अगर आप सीए कॉलेज इन इंडिया सर्च कर रहे हैं तो आपको भारत में सीए का कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कोरेस्पोंडेंस कोर्स होता है। यदि आप सीए बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीए के लिए बेस्ट कोचिंग चुनना चाहिए जहां पर आपको सही गाइडलाइन मिले। हम आपको बता रहे हैं कि सीए की सैलरी कितनी होती है पर मंथ। किसी भी बैंक, कंपनी, वित्तीय संस्थान में अकाउंटिंग मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। शुरुआत में नए सीए को वार्षिक 4 लाख से 5 लाख रुपए तक अनुभव और साथ ही 2 से 3 सालों में चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी बढ़कर 7 लाख से 8 लाख तक हो सकती है, जबकि शुरुआती वेतन के रूप में भारत में फ्रेशर्स को सीए की सैलरी पर मंथ के हिसाब से 50,000 रुपए या अधिक मिल सकते हैं। छोटे शहरों के मुकाबले मेट्रो शहरों में सीए की सैलरी अच्छी होती है। सीए का काम बहुत ही मेहनत का होता है। इसमें सीए को 9 से 10 घंटे काम करना होता है और कभी कभी तो सीए को कुछ कंपनीज में 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता है। हम आपको यही सलाह देंगे कि यदि आप वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में रुचि रखते हैं तभी सीए की तैयारी करें, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं और किसी दूसरे फील्ड को चुन सकते हैं। यदि आप इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप चाहे 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद ही कोर्स शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीए कोर्स के बारे में गंभीर हैं तो अपने ग्रेजुएशन होने तक की प्रतीक्षा ना करते हुए प्लस टू के बाद ही इसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो ये थी सीए कोर्स की पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।